तो आज हम एमएस एक्सेल के चौथी क्लास में शुरू करते पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारा तीन लेक्चर तीन क्लास आपका हो चुका है। उन तीन क्लासों में आपको जो दो क्लास थे उसमें आपको वर्कशीट क्या थे एक्सेल में, स्प्रेडशीट क्या है, रो कॉलम्स क्या है, ये सारे चीज़ को हम बता दिए थे। अब आने वाले दो तीन चार पाँच जो भी लेक्चर्स होंगे वे सारे हमारे फार्मूले के बेस पर होंगे, यानी उनमें हम आपको पहले कुछ फार्मूलाज को बता देंगे और फार्मूला को बताने के बाद फिर हम स्टार्टिंग से उसके ऑफिस बटन से लेकर के उसके सारे चीज़ पे काम करने के बेस पे चलते चलेंगे। सबसे पहले हम धीरे धीरे एक एक फार्मूला को लेकर के चलते हैं और उस तीसरे लेक्चर्स में हमने फार्मूला वन स्टार्ट किया था जो कि आपका सम फार्मूला था। ठीक है, सम फार्मूला के बाद हम आपको सोचे कि चले सम के साथ साथ बहुत सारे जगह पे क्या होते हैं कि सम सीरीज पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पाता है। आप जैसे ही एक्सेल में एक्सेल का जो फॉर्मूला स्टार्ट किससे होता है, आपके इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। जब आपका इक्वल साइन से स्टार्ट होता है तो आप जनरली ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं, उसी तरह से यदि आप एक्सेल में भी फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू एस यू एम, ठीक है ना। जैसे ही आप एस यू एम टाइप करेंगे वैसे ही आपके एक्सेल के अंदर में सम सीरीज का फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। अब सम सीरीज का फॉर्मूला जो दिखेगा वो सम सीरीज के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, तो ये पहला फॉर्मूला आपका क्या है सम सीरीज में, पहला है आपका सम, ठीक है ना। यानी सम का मतलब जनरली हिसाब होता है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होंगे वे आपके जोड़ने के बेस पे होंगे। ये आपके जोड़ने के बेसिस पे हैं। अब इन सभी फॉर्मूलाज को हम एक एक कर लैब के माध्यम से भी समझाएंगे और आपको थ्योरी के माध्यम से भी समझाएंगे। पहले आपको बोर्ड पे समझाएंगे क्योंकि बोर्ड पे रिपीट करने में बहुत ही आसानी होती है, समझने में भी आसान हो जाता है, और इसके बाद हम लैब में प्रैक्टिस के माध्यम से सारे चीज़ को दिखाएंगे। ये देखिए सम सीरीज का टोटल आठ फॉर्मूलाज होते हैं। ये आठों फॉर्मूला को हम एक एक कर सीरियल वाइज यहाँ पे देखेंगे और आज का हमारा लेक्चर सम सीरीज के साथ साथ कुछ समय बचेंगे तो एक्सटर्नल भी आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सम में आपको टोटल जो आठ फॉर्मूलाज हैं, पहला आपको सम, सम का मतलब क्या होता है जोड़ना। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल व्यू में हम कहें यहाँ तो इक्वल टू से आपका स्टार्ट होगा, तो वैसे ही आपके सर्च में यहाँ पे आपको ये आठों फॉर्मूलाज आपको दिख जाएंगे। ध्यान से देखिए सुने समझिएगा, जब आप फॉर्मूला को टाइप करते हैं तो फॉर्मूला को टाइप करते के साथ नीचे में आपको ये फॉर्मूले यहाँ पे दिखने लगते हैं। जैसे मानते हैं साम है लेना आपको, या समीफ लेना है, या समीप्स लेना है, समीप्स लेना है, सम प्रोडक्ट लेना है, इस प्रकार से ये फॉर्मूला जो है आपको दिखने लगेंगे। अब जिस फॉर्मूला को आपको सिलेक्ट करना है, जो फॉर्मूला इनमें से आपको यूज करने हैं, उन पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपका फॉर्मूला यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला सिलेक्ट जैसे ही होगा ये यहाँ पे इस प्रकार से छोटी कुछ अपने आप लग जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीकों से डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्मूला। इसके बाद अगर आपको नहीं इच्छा है तो डायरेक्ट शिफ्ट के साथ आप यहाँ पर छोटी कोष्ट वाले जो हैं जो जीरो में होते हैं आपके नाइन में होते हैं, ठीक है ना, ये शिफ्ट के साथ आप नाइन को प्रेस करेंगे आपको छोटी कोष्ट लग जाएंगे, और शिफ्ट के साथ जीरो प्रेस करेंगे दाएं साइड का हो जाएगा। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो हमने बताया था कि शिफ्ट के साथ अगर किसी एक कीज में दो ऑप्शन दिए हुए हैं और ऊपर वाला ऑप्शन लिखना है तो आपको किसको यूज करना है शिफ्ट की का, तो ये शिफ्ट की हो गया। अब यहाँ पे एक और शॉर्टकट है जिसके द्वारा अपने आप फॉर्मूला हो जाते हैं। तो एक तो मानते हैं जिस फॉर्मूला को आपको लेना है कीबोर्ड में डाउन एरो बटन को प्रेस कीजिए, ठीक है, कीबोर्ड में डाउन एरो बटन आपको पता ही नहीं होगा, ये देखिए आपको डाउन एरो का बटन है, यहाँ से डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर वाला ऊपर नीचे नीचे इस प्रकार से आपका जाएगा। और यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको ले जैसे समीप लेना है, समीप पर जा करके आपको टैब बटन को प्रेस कर देने हैं। देखिए टैब कीबोर्ड में टैब बटन कहाँ होता है, देखिए ये आपका टैब बटन है, शायद नहीं भी दिखे, ये आपका टैब बटन है जो कि आपका पहचान लिखा हुआ भी है टैब, या इस प्रकार से जो है आपका सिंबल्स होता है, ये आपका आप क्या होता है
टैब होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको इजली वे में एक एक चीज़ को आपको समझना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि ये टैब सेलेक्ट करने के अपने यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साम कैसे हम लोग निकालते हैं। इसके लिए आप एक बार दो बार याद कीजिएगा, समझिएगा, देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मानते हैं हम एक यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, पता नहीं दिखेगा नहीं भी दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, कोशिश होगी हमारी कि सारी चीज को बताएं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हमने सेल बनाया है। इन सेल में हमें बता दिए थे कि कैसे आप फॉर्मूलाज को बनाते हैं, कैसे सेल को समझते हैं कि इसका नाम क्या है, इस सेल का नाम क्या है। आज हम इस सम फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं और ये सम फॉर्मूला आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। हम फिलहाल नॉर्मल में भी बता रहे हैं और लैब पे जो है हम सारी चीज़ को एक एक चीज़ को डायग्रामिक बताएंगे। देखिए मानते हैं यहाँ पर हमारा नंबर है, चाहे यहाँ पे देते हैं मॉर्निंग, दोपहर, इवनिंग, ठीक है, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम। मानते हैं एक सेल का हम लिस्ट बना रहे हैं, ये हमारा सेल का लिस्ट है, ठीक है, ये हमारा सेल का लिस्ट है। सुबह में कितने बिके, शाम में कितने बिके और दोपहर में कितने रुपए का बिका है। तो यहाँ पे मानते हैं सुबह में हमारा था 5,000, 7,000 और इवनिंग में 15,000, ठीक है। यहाँ पे सुबह में 2,250, 3,500 या 3,567 या 8,800, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको फॉर्मूले लगाने, यहाँ पे सेल नहीं बच रहा, लेकिन हम ये फॉर्मूले को बाहर आपको लिख के दिखा रहे हैं। तो सम फॉर्मूला आपको हम बता भी चुके हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए। अब इक्वल टू लिखेंगे सम, छोटी कोष्ट। अब यहाँ पे जोड़ना, जैसे मानते हैं तीनों को जोड़ना है, तो एक किसका क्या नाम हुआ, 5,000 वाले को ए और एक किसरों में टू, तो यहाँ पर लिखेंगे ए टू, ठीक है। हमें अगर कंटिन्यू जोड़ने हैं तो क्या लगाएंगे, अनुपात। आप एका को जोड़ना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे, कॉमा। और यदि आप डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं तो लिखिएगा प्लस, लेकिन यहाँ से सम को हटा देना है। तो एच वन अनुपात सी टू, इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए टू ए थ्री इक्वल टू सम, किस में है ए में, किस और किस रो में, थ्री में, तो ए थ्री अनुपात सी थ्री, ये आपका रिजल्ट फॉर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो है आपका सेल्स के ऊपर है, ये सारी चीज़ आपको जोड़ने के लिए हो गया। लेकिन आगे चल के हम सारी चीज़ ये बताएंगे कि आप कैसे कैसे प्रोडक्ट को लेके बिलिंग वगैरह में कैसे जोड़ेंगे, और सारे चीज़ हम आगे चल के एडवांस लेवल पर तक लेके चलेंगे। सबसे पहले तो बेसिक से ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि एकदम जो कमज़ोर छात्र होंगे, कमज़ोर स्टूडेंट होंगे, वो भी इजिली वे में इसे आप सीख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, दूसरा आपका है सम इफ। सम इफ का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज को समझते हुए चलना है, ठीक है। अब सम इफ क्या हुआ, और इसे ऐसा करते हैं, तीन तीन फॉर्मूला चलते हैं फिर लैब की ओर चलते हैं, ठीक है। तो तीन तक हम लेके चलते हैं, तो दूसरा है सम इफ। तो सम इफ हम लेके चलते हैं, पहला फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा सम का, दूसरा आपका है सम इफ, सम इफ, ठीक है। लगाएंगे इक्वल टू, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, इक्वल टू सम इफ, ठीक है, छोटी कोष्ट। अब यहां पर क्या होगा कि इसकी रेंज थोड़ी हम बढ़ा देते हैं,
ठीक है, यहाँ पर हम नंबर वगैरह नहीं देते हैं, इस नंबर के जगह पर यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम मानते हैं, दे देते हैं हम कीबोर्ड और ये आपका माउस, ठीक है। प्रोडक्ट नेम दीजिए या कंपनी के नेम दीजिए, जो भी आपको देना है आप यहाँ पर से इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। कंपनी नेम, प्रोडक्ट, आपको जो भी देना है आपको इसको दे देने हैं। और यहाँ पर दो कॉलम्स आपको बना लेने हैं, क्या क्या बनाइएगा, एक आपको प्रोडक्ट नेम या कंपनी नेम, तो प्रोडक्ट मानते हैं कि आपको कीवर्ड है या कंपनी, जो देना है दे दीजिए। यहाँ पर हम दो लगा लेते, पहले यहाँ पर कॉलम्स बना लेते हैं। देखिए ये आपको समी फॉर्मूला के लिए आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे, इस प्रकार से हम दो कॉलम्स बना लेते हैं, प्रोडक्ट नेम और यहां पर ये हो जाएगा आपका सेल्स। अब यहां पे देखिए आप किस प्रोडक्ट को रिजल्ट निकालना चाहते हैं, मानते हैं हमको कीवर्ड निकालना है, कीवर्ड है, लेकिन यहां पे आश्चर्य ये चीज होगा कि आप तो यहां सोच रहे होंगे कि जो यहां पे हम जोड़ दिखाए वही जोड़ हम यहां पे भी दिखाने वाले हैं, तो फिर अंतर क्या हुआ, तो अंतर हुआ, अंतर ये चीज हुआ कि अभी जगह नहीं है मेरे पास इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको लैब में सारी चीज दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे मानते हैं कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, कंप्यूटर, बहुत सारे दिए हुए आइटम, लेकिन किसी पार्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट के हमको रेंज निकालने हैं, किसी एक ही प्रोडक्ट के सेल्स निकालने हैं, तो आप किससे निकालिएगा, तो वो आपको सम इफ फॉर्मूले से निकालने हैं, ठीक है। जैसे मानते हैं सिर्फ कीबोर्ड और माउस है ना, इस तरह के बहुत सारे हो जाएं, कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, माउस, कंप्यूटर, जिसमें हमको सिर्फ माउस को नहीं जोड़ना है, सिर्फ कीबोर्ड की सेल को निकालना है, सिर्फ माउस को सेल के निकालना है, सिर्फ कंप्यूटर के सेल को निकालना है, तो पार्टिकुलर एक प्रोडक्ट को आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या दिया, सम इफ फॉर्मूला। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इक्वल टू सम इफ, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, सम इफ, उसके बाद लगाएंगे छोटी कोष्ट और यहां पर लिखा हुआ रहेगा रेंज, ठीक है, यहां पर लिखेंगे रेंज, जो बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, रेंज कॉमा, ठीक है, रेंज के बाद कॉमा, इसके बाद पूछेगा क्राइटेरिया। चलिए यहां पे फॉर्मूला को हम टाइप कर देते हैं, इक्वल टू सम इफ, ये सेल का फॉर्मूला हम यहाँ पे टाइप करें, घबराइएगा नहीं, सम इफ छोटी कोष्ट रेंज, ठीक है, प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट रेंज कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कहने का मतलब प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है ना, फिर कॉमा आपको लगाना है, फिर लिखना है सम रेंज, फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट सम रेंज, ठीक है। ये हमको पता है कि लिखने से बहुत कम समझ में आएगा लोगों को, तो हम इसको दिखाएंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन बोल रहे हैं आप फिर से समझिए। देखिए सबसे पहले लिखे हैं सम इफ, और सम इफ फॉर्मूला किस लिए यूज करते हैं, किसी पार्टिकुलर एक प्रोडक्ट को निकालने के लिए, किसी एक प्रोडक्ट को टोटल जोड़ करके टोटल निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो सम इफ का यूज करते हैं, क्योंकि सम नॉर्मल जोड़ करके निकाल दिया, लेकिन सम इफ क्या करता है कि कोई प्रोडक्ट को स्पेशल अगर आप निकालना चाहते हैं तो सम इफ लगा सकते हैं। अब सम इफ में देखिए सबसे पहले आपको क्या देगा, प्रोडक्ट रेंज, आपको जब फॉर्मूला टाइप करेंगे तो सिर्फ रेंज आएगा, लेकिन हम यहाँ पे सुविधा के लिए आप लोग को ये बता रहे हैं प्रोडक्ट रेंज। अब देखिए आपका प्रोडक्ट रेंज, तो प्रोडक्ट कहाँ है, ये आपका प्रोडक्ट है, आपका ये प्रोडक्ट है ना, तो इस प्रोडक्ट के रेंज को, जो भी आपका नंबर होगा इसका 1 2 जो भी नंबर होगा, इस प्रोडक्ट के रेंज को आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करिएगा तो वहां पे क्या मांगेगा आपको, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कहने का मतलब कि पार्टिकुलर एक नाम, ठीक है ना, पार्टिकुलर कितने नाम,
पार्टिकुलर एक नेम को हमको लिखना है। तो मानते हैं कि हमको यहाँ पर माउस को निकालना है, तो यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको किसको पर क्लिक करेगा, माउस पर। तो कोई जरूरी नहीं, आप माउस इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पर भी आप माउस को सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी अंतर नहीं है। या तो आप यहाँ माउस सिलेक्ट कर लीजिए या तो आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा, फिर आपको करने हैं सिलेक्ट सम रेंज, है ना, यानी कि जो टोटल आपके हुए, टोटल जितने जितने पीस आपके बिके हैं वो टोटल पीस को सम रेंज। तो सम रेंज कौन है मेरा, सम रेंज मेरा यहाँ हो जाएगा, है ना, ये सम रेंज यानी कि ये टोटल, तो टोटल आपको यहाँ आ गया। तो ये टोटल को आपको सिलेक्शन करना है, जैसे आप सिलेक्शन करिएगा आपको ये निकाल करके रख देगा। तो ये आपको समीप है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, बस इस वीडियो को कंटिन्यू आप जारी रखिए, आपको आगे चल के सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपके हम लैब पे भी ये सारे चीज़ को दिखाएंगे, बोर्ड के चलते थोड़ा परेशानी होगी क्योंकि ये हम फॉर्मूलाज को यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके साथ हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको रेंज को बता दी, बस कंटिन्यू आप लगे रहिए। तो ये आपको दूसरा था सम इफ फॉर्मूला, तीसरे ये आपको सम इफ्स, ठीक है। आप समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, बस आप कंटिन्यू देखते रहिए और तीन तीन करके हम आपको लैब में भी दिखाते रहेंगे। तीसरा है सम इफ्स। तो सम इफ फॉर्मूला का यूज हम कहाँ करते हैं कि जैसे मानते हैं यहाँ पर हमने देखा कि कीबोर्ड है, माउस है, ये आपका प्रोडक्ट है, ब्रांड है, लेकिन ये किस कंपनी का है, ठीक है, या फिर कौन कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे मानते हैं अब सैमसंग है, तो सैमसंग का टीवी भी आता है, सैमसंग का चार्जर भी आता है, सैमसंग का बैटरी भी आता है, लावा का मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल है ना, रेडमी है, रियलमी है, रियलमी का चार्जर है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आपको सैमसंग को मानते हैं कि निकालना है, तो सैमसंग में से सिर्फ आपको टीवी निकालने हैं कि टीवी का कितना सेल हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको सैमसंग के टीवी के लिए उस लाइक फिर क्राइटेरिया बनाना होगा, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट लगाएंगे और वहाँ पे एरियाज को सिलेक्शन करेंगे, तो आपको ये बता देगा कि सैमसंग का स्पेशल टीवी कितना सेल हुआ है, सैमसंग का ये चीज कितना सेल हुआ है, सब आपको निकल जाएगा समीप से। चलिए तो अभी हम आपको डिले ना करते हुए आपको लैब की ओर लेके चलते हैं और वहाँ पे हम एक एक चीज डायरेक्ट यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो ये पहले तो आप इसको अगले बार हम मिटा देंगे क्योंकि यहाँ पे इसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसे हम मिटा देंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए कि सम सीरीज का फॉर्मूला होता है जिसमें हमने सम को क्लास 3 में बता दिए थे और चौथे में एक्सेल सीरीज के सम फॉर सीरीज के टोटल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको तीन आपको जो बताए हैं तीन अभी लैब पे दिखाएंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम एक्सेल सीरीज के फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। हमने पार्ट 3 में जो सम सीरीज के बताए थे वही चीज को आज हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा जो लोग नहीं देख पाए होंगे इस लेक्चर को। देखिए सम सीरीज का टोटल आपके 8 फॉर्मूले होते हैं, सम, सम इफ, सम इफ्स, सम एस के, सम प्रोडक्ट, सम एस क्यू, सम एक्स टू एम बाई टू, सम एक्स टू पी बाई टू, सम एक्स एम बाई टू, ठीक है। इसके लिए चलते और इसको थोड़ा सा हमें मैग्नीफायर की आवश्यकता होगी, देखिए ये आपके एक्सेल सीरीज के टोटल 8 फॉर्मूलाज हैं, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सम फॉर एक्सेल सीरीज के जो फॉर्मूलाज बनाए हैं इसके ऊपर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ को चले, ये हमने एक डाटा को तैयार किया है। इस डाटा में देखिए आपका सबसे पहला सीरियल नंबर हमने दिया है, फिर इसके बाद है आपका कंपनी नेम, ये जो फॉर्मूलाज हैं, चलिए इसको हम सेल को कर देते हैं वाइट क्योंकि इस पर सिर्फ वाइट ही दिख पाएगा। चलिए ये आपका सम फॉर्मूला है, सम सीरीज का फॉर्मूला में सम फॉर्मूला जिसमें सबसे पहले हमने कंपनी प्रोडक्ट का नेम बना लिए हैं, इसके बाद सेल्स को हमने निर्धारित किया है कि सुबह, दोपहर और शाम में कितने कितने हमारे सेल्स हुई है,
और यहाँ पर भी चलिए इसको ब्लैंक ना लेकर के कुछ अलग सेल्स को लेते हैं, क्योंकि ये दिख नहीं पा रहा, तो चलिए हम सभी को वाइट ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने सबसे पहले यहाँ पर जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए फार्मूला हम लगाना सिखा दिए थे, यहाँ पे फार्मूला क्या टाइप करने हैं, चलिए यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं और एक बार जल्दी से फिर से उसको बता देते, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको प्रोडक्ट करना है, इक्वल टू एस यू एम टैब को प्रेस करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से जो जो जोड़ने हैं उसे हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे या डायरेक्ट माउस से क्लिक कर लेंगे या लिख भी सकते हैं और इंटर को प्रेस करेंगे, हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमको सेल को सिलेक्शन करने हैं, यहाँ पर देखिए शॉर्टकट भी हम पिछले अध्याय में बताए थे, इसमें नहीं बता पाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का जो सिंबल आप देख रहे हैं कि प्लस का एक डाउन का एरो यहाँ पे आ रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा चलिए इसको जूम आउट करके हम दिखाते हैं आपको, जूम इन करके दिखाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक प्लस का ए सिंबल आ रहा है, शायद आपको ए प्लस आपको दिख रहा होगा, एच आर नहीं, ए अलग प्रकार का एक, हाँ ए प्लस का सिंबल आपको दिख रहा होगा। ए प्लस का सिंबल जैसे ही आएगा आप यहाँ से ड्रैग करना शुरू करेंगे, आपके पास ए रिजल्ट ऑटोमेटिक ए आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ए आपका रिजल्ट जो है ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, ए आपको फॉर्मूला थे, तो ए आपको तो थे एक्सेल के सम सीरीज के फॉर्मूला और सम के फॉर्मूला थे पहला, ठीक है। अब हम दूसरे की ओर चलते हैं जो कि समीप, जो कि हमने बोर्ड पे बताया था, चले समीप। तो इसके डाटा को हम फिर से हमने कॉपी किया और डाटा को फिर से यहाँ पर हम जो है सभी को कर देते हैं बोल्ड, बोल्ड कर देते हैं, थोड़े बड़ा कर देते हैं, तो देखिए ये हमारा समीप का आपका टेबल है, आप अपने कॉपी में इस टेबल को बना लेंगे, ठीक है। हमने पाला में सब बनाया था, उसको कॉपी करके यहाँ पर भी डाटा को लिया है, आप लोग भी आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर, कंपनी नेम, प्रोडक्ट, सेल, सेल सेल, आप जितने भी सेल चाहें जनवरी फरवरी मंथ, इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल किया हुआ है, जो कि हमने पिछले बार में ही टोटल आपको निकाला था। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इसके लिए सम इफ को निकालने के लिए पहले एक अलग से आपको यहाँ पे सेल बना लेना है। जैसे यहाँ पर हमने एक बनाया कंपनी और दूसरा बनाया टोटल सेल। जैसे मानते हैं कि सैमसंग है, सैमसंग कंपनी है, तो सैमसंग के अंदर में देखिए क्या क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या है, कंपनी क्या क्या है, तो यहाँ पर कंपनी है एल जी है, सैमसंग है, लावा है, माइक्रोमैक्स है, नोकिया है, वेस्टर्न है, माइक्रोमैक्स है, ठीक है। यानी कि 5 से 6 कंपनियां यहां पर हैं, लेकिन इन कंपनियों में किसी कंपनी के टीवी हैं तो किसी के मोबाइल हैं, किसी के यहां पर टैबलेट हैं, किसी के डीटीएच हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे मानते हैं हमने यहां पे क्राइटेरिया लिया सैमसंग, तो सैमसंग के लिए अब यहाँ पे सैमसंग का क्या क्या है, तो देखिए सैमसंग का एक मोबाइल भी है यहाँ पे, सैमसंग का टीवी भी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि सैमसंग के 2 प्रोडक्ट हैं और दोनों प्रोडक्ट को मिला करके टोटल कितने सेल हुए हैं, तो चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला को लगाते हैं। फॉर्मूला को आपको टाइप क्या करने हैं, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला को टाइप करने हैं इक्वल टू, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला को यहाँ पर टाइप करना इक्वल टू सम एस यू एम। ध्यान रखिएगा जैसे ही आप यहाँ पे सम को टाइप कीजिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको हम चले बोल्ड कर लेते हैं होम में जा करके ताकि आपको अच्छे से दिख सके, इक्वल टू एस यू एम, ठीक है। सम, सम के बाद यहाँ पर देखिए हमने बताया था जैसा कि यहाँ पर से आपको कई सारे रेंज आ जाएंगे, इसमें से हमको किसे चुनना है, समीप को, ये सेकेंड में देखिए समीप है, जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे ये आपका आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप टैब को प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा, या तो डायरेक्ट आप हाथों से लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। समीप के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करने हैं, तो हमने बताया था बोर्ड पे कि रेंज लिखा हुआ रहता है, देखिए रेंज का मतलब कौन सा रेंज, तो प्रोडक्ट का रेंज, तो यहाँ पे कंपनी का, हमने कंपनी सेलेक्ट किया है तो कंपनी का रेंज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी आपको कहाँ से शुरू हो रही है, तो कंपनी से लेके नहीं चलना है, कंपनी के नाम से लेके चलना है, तो आपको शुरू कहाँ है, एलजी से, ठीक है ना, एलजी, तो एलजी किस सेल में है, बी में, और रो कौन सा है, 3, तो हमने यहाँ पर देखिए क्या हो गया टाइप, B3। माइक्रोमैक्स किस में है, 12 रो है और बी कॉलम है, तो जैसे ही आप अनुपात के साथ अगर आप टाइप करेंगे अनुपात बी
बी कितने 12, ठीक है ना। वैसे ही देखिए आपका अरेंज क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। आपको पता नहीं चल रहा होगा कलर के चलते, लेकिन ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर इसको आप देखना चाहते कि सिलेक्ट है या नहीं है, तो चलिए एक बार हम इसको आपको कन्फर्म करा दें, बार बार नहीं कन्फर्म करा पाएंगे। देखिए ये आपको जो है यहाँ पर देखिए ब्लू लाइन आपको दिख रहा है जो आपको सिलेक्टेड है, ठीक है ना। ये आपको रेंज क्या है, सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, आप घर पे खुद से करके देख लीजिएगा, आपको कहीं पर भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सम रेंज के बाद आपको क्या टाइप करने हैं, तो सम रेंज के बाद देखिए आपको यहाँ पर देने हैं कॉमा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या देने हैं, कॉमा को देने हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंटर जो है आपका दिख रहा है चारों कॉर्नर, देखिए यहाँ पे जैसे ही ले जा रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए हल्का सा पॉइंटर दिख रहा है। चलिए एक बार फिर से हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, देखिए देख रहे हैं ये चीज़, देखिए बॉर्डर देख रहे हैं, देखिए हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ये आपके सिलेक्टेड हैं। अब यहाँ पर हम फिर से लेकर के चल रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले आपने प्रोडक्ट के रेंज को सिलेक्ट कर लिया कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, फिर देना है कॉमा, ठीक है। कॉमा देने के बाद आपको उस प्रोडक्ट के नाम को सिलेक्ट करना है। अब इसको सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया, यानी CRITERIA होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब आप किस प्रोडक्ट को ऐड करना जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मानते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सैमसंग, तो आप इस रेंज में से भी सैमसंग का पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर सैमसंग पर क्लिक कर सकते हैं। माउस को देख रहे हैं, ये हमारा माउस है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। आपका लिखा गया i6, क्योंकि सैमसंग i6 में है आपका। फिर से हम कॉमा देंगे, देखिए यहाँ पर जैसे जैसे दे रहे हैं आप फॉर्मूला को वैसे वैसे ही टाइप करेंगे। और ये फॉर्मूला कोई ज़रूरी नहीं है कि i6 ही होगा, ये फॉर्मूला कोई ज़रूरी नहीं है कि b3:b12 ही होगा। ये फॉर्मूला आपके सिस्टम के अनुसार, आपके कार्य करने के अनुसार हो सकता है। आपको इच्छा है तो आप 10 में सेल्स तो बना सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो वही काम करेगा, आपको वहाँ पर सेल्स 10 हो जाएगा। अगर 12 पर काम करेंगे तो सेल 12 हो जाएंगे नंबर। इसीलिए हम स्टार्टिंग में पार्ट 3 में जो है ये रेंज को बनाने के लिए सिखाए थे कि कैसे कैसे आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि किस रेंज में ये कौन से फॉर्मूला है, कौन से नंबर हैं। इसके बाद कॉमा के बाद फिर से हमको देना है सम रेंज, ठीक है। मानते हैं हमने यहाँ पे सैमसंग को लिया, अब सैमसंग को सम रेंज कौन है, यहाँ पर टोटल है ना। अब यहाँ से टोटल को हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन जैसे ही करेंगे इसके बाद हमको क्या प्रेस करने हैं, इंटर। इंटर प्रेस करते ही आपका नंबर देखिए आ गया, नंबर कितना है 58। अब 58 नंबर तो आ गए, अभी आया कैसे, सही है या नहीं है, कैसे चेक करें। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं, देखते हैं सैमसंग। तो सैमसंग का मोबाइल है, टोटल कितने पीस सेल हुआ था, 5, 8, 11, टोटल मिलके हो गया 11, 8, 19, 5, 24। और सैमसंग का टीवी है, मोबाइल कितना है पीस, 24 पीस, और टीवी सैमसंग का कितना पीस, 34 पीस। तो इक्वल टू 24 + 34 कितना हो गया, 58। तो ये सही हो गया। अगर आपने एक बार फॉर्मूला को लगाया, और चलिए हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि जब जब फॉर्मूला बनाते हैं फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा कंपनी नेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा टोटल सेल, TOTLE टोटल सेल, टोटल सेल। यहाँ पर अब जिस प्रोडक्ट का निकालना है, जैसे मानते हैं हम लावा का निकालना चाहते हैं, लिख दीजिए लावा। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वल टू सम इफ, ठीक है। सम इफ छोटी कोट से घेर देंगे हम इसको, क्योंकि आप जिस तरह से फॉर्मूला लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सम हो गया। इसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट का, है ना, ये प्रोडक्ट का रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद आपको क्या लगाना है, कॉमा। आप ध्यान रखिएगा कॉमा वगैरह पे, क्योंकि कॉमा छूटने नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या हुआ, क्राइटेरिया। आप जो लावा निकालना चाहते हैं ना, लावा का जो आपने रेंज सेलेक्ट किया ना, रेंज में आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लावा। तो चलिए लावा आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से आपको क्या लगाना है, कॉमा। इसके बाद सम रेंज, टोटल जोड़ा हुआ कहाँ है, यहाँ है इस सेल में, यहाँ जाके टोटल रेंज को सिलेक्शन कर लेंगे। और जैसे ही आप इंटर को प्रेस करेंगे या आप डाउन एरो को दबाएंगे, आपको वहाँ से बस कर्सर को हटना चाहिए, आपका ऑटोमेटिक फॉर्मूला आपका
आ जाएगा रिजल्ट। देखिए आपको टोटल लावा का 42 पीस दिया, चले देखते हैं कि 42 सही में है या नहीं। चले सबसे पहले लावा हमने देखा मोबाइल कितना पीस है, 19 पीस है, ठीक है। इसके बाद लावा 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 का यहाँ पर क्या है, टीवी है, कितना पीस, 23 पीस। चले 19 और 23 कितना होता है, जोड़ लेते हैं, किसी भी फॉर्मूला में आप जोड़ सकते हैं कभी भी सम को, इक्वल टू 19 प्लस कितना है, 19 प्लस लावा 23, 19 प्लस 23 टोटल कितना हो गया, 42, ठीक है। तो ये तो हमने बताया समीप फॉर्मूलों का यूज। अब इसके साथ एक और चीज़ फंक्शंस क्या ऐड होता है उसको देखिए। जैसे आपने एक बार यहाँ पे फंक्शंस को ऐड कर दिया है टोटल रेंज सिलेक्शन करके, तो बार बार आपको लिखने बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप कंपनी का नाम दूसरा टाइप कर दीजिए, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। जैसे हमको LG का निकालना है, बस LG टाइप कीजिए, इंटर मारिए, देखिए आपको LG का दिखा दिया रिजल्ट 75। तो LG का चलिए देख लेते हैं 75 है या नहीं, एक बार और चेकअप खाली कर लेते हैं। LG का टोटल यहाँ पे TV 45 है, यहाँ पे TV 30 है, तो 45 और 30 टोटल कितना हो गया, 75। चलिए LG के बाद हम यहाँ पर निकालते हैं लावा LAVA, तो देखिए लावा का टोटल कितना आ गया, 42। इसके बाद चलिए फिर दूसरा निकालते हैं माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स, ठीक है, इंटर, देखिए माइक्रोमैक्स का कितना, 59। रिजल्ट अपने आप देगा, बस आपको फॉर्मूले सही से लगाने हैं। तो हमने देखिए दूसरा यहाँ भी लगाया था, आप कहीं भी आप लगाए, जैसे मानते बेस्टर्न का देख रहे हैं, तो WESTON बेस्टर्न, देखिए आपका बेस्टर्न का कितना दीजिए, 32, क्योंकि बेस्टर्न एक ही जगह पर है, उनका टोटल सेल कितना है, 32 है। नोकिया अगर देखना है तो चलिए नोकिया देख लेते हैं, नोकिया ये देखिए 27, नोकिया भी एक ही जगह है, सिर्फ 27 सेल हुए उनके, तो ये आपको नोकिया का सिर्फ क्या है, टीवी है। आप इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये तो हमने बताया सम और समी फंक्शन के। अब चलिए नेक्स्ट फंक्शन की ओर आप आते हैं, जो कि आपका है सम इफ्स, ठीक है। ये आपका सम इफ फंक्शन थे, सम इफ, ये सम इफ फंक्शन थे। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है सम इफ्स, ठीक है। चले तो सम इफ्स की ओर चलते हैं। सम इफ्स में खास कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अंतर इसमें आपको है, ठीक है। चले सम इफ को यहीं से इसी को कर लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी, यहाँ कर लेते हैं कॉपी और इसको कर लेते हैं पेस्ट। चलिए सम इफ्स, चलिए यहाँ पर क्या करना है हम लोग को कि सम इफ्स में आपको ये यूज करने हैं कि अभी तक हमने सम और समी में देखा जोड़ने के लिए कि किसी एक पार्टिकुलर को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि सम इफ और सम इफ्स में क्या अंतर है, तो यहाँ पे LG सैमसंग लावा के क्या है कि टोटल प्रोडक्ट यहाँ जोड़ कर दिए, लेकिन यहाँ पर सम इफ्स में क्या हो जाता है कि उन प्रोडक्ट के अंदर, उन कंपनियों के अंदर जो स्पेशल प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ कंपनी है, प्रोडक्ट है, सेल्स है, यहाँ फॉर्मूला लगा चुके हैं हम। चलिए यहाँ पर हम लगा के दिखाते हैं आपको, फिर से फॉर्मूला को यहाँ पर लगाते हैं। चलिए यहाँ पे मानते हैं कि हमको निकालना है LG का, चलिए LG का ले लेते हैं, शायद आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप क्वालिटी अच्छे करके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो बोली भी देखते सुनते जाइएगा आसानी से निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे आप प्रोडक्ट में हम देखते हैं, प्रोडक्ट आपको LG है ना, तो LG का देखते हैं, दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है LG का आपका TV और एक LG का आपको क्या है, LG का TV, सिर्फ TV ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। यानी LG का आपको क्या है यहाँ पे, TV। चले तो TV ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमको टोटल सेल्स निकालने, तो टोटल सेल के लिए क्या करने हैं, इक्वल टू SUMIFS सम इफ्स, ठीक है, और छोटी को से घेरना है। अब यहाँ पे जैसे सम इफ में आपने जो रेंज सेलेक्ट किया था वही रेंज यहाँ करना है। पहला आपको कंपनी लिखा हुआ है, यानी कि इस कंपनी के रेंज को सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। रेंज को सिलेक्ट, पहले क्राइटेरिया वन याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करने हैं कि यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं टोटल, ये इसमें याद रखिएगा आप, ठीक है। सम इफ्स में सबसे पहले सम रेंज होगा, यानी सम रेंज हमने कर लिया, इसके बाद लगाना है आपको कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज, आप किस प्रोडक्ट को निकालना चाहते हैं, तो पहले प्रोडक्ट के रेंज ले लीजिए कि आपका रेंज कहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा है, ठीक है। कॉमा,
इसके बाद अब कहता है कि क्राइटेरिया वन बताइए, ये तो आपको रेंज बताए, अब इस रेंज में आप क्या निकालना चाहते हो। तो मानते हैं हमको एलजी निकालना है, हम चले यहाँ से भी एलजी ले लेते हैं, यहाँ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कॉमा ये आपके क्राइटेरिया वन थे, देखिए क्राइटेरिया अब टू सेलेक्ट करने जा रहे हैं, क्राइटेरिया टू भी सेम वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए एलजी का हमको क्या लेना है, टीवी ना, लेकिन यहाँ तो एलजी का बहुत सारा प्रोडक्ट है ना, तो चलिए यहाँ से हम प्रोडक्ट में एक सिलेक्शन कर लेते हैं, लगाते हैं थोड़ा कॉमा, इसके बाद लगाएंगे हम क्राइटेरिया टू, यानी एलजी का क्या लेना है हमको, टीवी, तो ले लिए हम यहाँ से टीवी, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना है, इंटर को प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, बस इंटर को प्रेस कर देना है, आपका रिजल्ट देखिए आपका आ गया आपके सामने ही। चलिए एक बार फिर से करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। इक्वल टू सम, चलिए थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, इक्वल टू सम आई एफ एस, सम एफ्स छोटी कॉस्ट, सम रेंज, सबसे पहले याद रखिएगा इसमें सम रेंज सिलेक्शन करना, सम रेंज आपका ये है टोटल वाला, सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा, इसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन कौन है आपका, एक क्राइटेरिया रेंज हमारा वन है, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज वन, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज वन हो गया, कॉमा, ये तो रेंज था ना, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया कौन सा है, आप क्या निकालना चाहते हैं, तो मानते हैं हम निकालना चाहते हैं सैमसंग, सैमसंग का दो प्रोडक्ट है, मोबाइल भी है और टीवी भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमको निकालना है, चलिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज सेकंड सेलेक्ट करना है, कॉमा देना है, अब क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया पहले यहाँ पर ले लेना है, देखिए ए प्रोडक्ट नेम ले लेना है, आप प्रोडक्ट नेम में कॉमा लगाइए और क्राइटेरिया टू सेलेक्ट कीजिए, क्राइटेरिया टू क्या है, तो क्राइटेरिया टू है आपका ये सैमसंग का मोबाइल भी है और सैमसंग का टीवी भी है ना। चलिए हमको मोबाइल निकालना है, ए मोबाइल ले लीजिए, ठीक है, बस आपको इंटर प्रेस कर देना है, आपको देखिए निकल जाएगा 24। चलिए सैमसंग का हमने मोबाइल निकाला था ना, मोबाइल देखिए टोटल 24 पीस है, सिर्फ मोबाइल का दिया। इसी प्रकार से एलजी के साथ साथ आप यहाँ से देखिए सैमसंग का निकालिएगा, देखिए सैमसंग का टीवी निकालना है, हमने मोबाइल निकाला था ना, सैमसंग का टीवी देखना है, एम एस यू एन जी सैमसंग, देखिए सैमसंग का टीवी टोटल कितना है, 75 है, आप सही में 75 है या नहीं, चलिए देख लेते हैं, सैमसंग सैमसंग सैमसंग। तो ये इस तरीक़ों से आपका सैमसंग का है, और एक बार फिर से हम इसको निकाल देते हैं और ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये तीसरा बार बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, सम में जोड़ना, सम इफ में टोटल प्रोडक्ट के निकालना, सेल का निकालना, और सम इफ्स में उस प्रोडक्ट उस कंपनी के प्रोडक्ट को निकालना। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम कोई कंपनी ले लेते हैं, जैसे मानते हैं हमने लिया कंपनी का लावा, इसके बाद लावा का क्या निकालना चाहते हैं, तो लावा का यहाँ पे मोबाइल है, हमने मोबाइल को निकालना चाहे मोबाइल को लिख दिया, यहाँ पे हमको फॉर्मूले लगाने, क्या लगाने, इक्वल टू एस यू एम आई एफ एस सामिप्स, ठीक है। इसके बाद छोटी कोस्ट लगाना है, आपको यहाँ पे क्राइटेरिया सबसे पहले सामरेंज, ये आपका सामरेंज हो गया, सामरेंज सिलेक्शन करने हैं, कॉमा, इसके बाद ये आपको नेक्स्ट सिलेक्शन करने हैं, आपको सम रेंज के बाद आपको देता है क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज ये आपको कंपनी का रेंज है, कंपनी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए 3 से लेकर 12 तक, फिर कॉमा, इसके बाद आपको क्या इस रेंज में से निकालने हैं, तो कंपनी कौन सा लेना है, लावा, हमने लावा को सिलेक्शन किया, कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज टू को ले लेना है, तो क्राइटेरिया रेंज ये हमारा टू है, कॉमा, लावा का क्या हम निकालना चाहते हैं, मोबाइल, ये मोबाइल ले लीजिए। और देखिए इस तरीके से हमने दो निकाला है ना, लेकिन अगर आप 2 3 4 5 7 जितना निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, बस इंटर प्रेस कीजिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए लावा का टोटल 19 मोबाइल है आपका, ये 19 मोबाइल आपका आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा सामिप्स का 3 फॉर्मूला आपका क्लियर होता है। चलिए चौथा को भी हम यहाँ पे सीरीज को बता ही देते हैं, और नेक्स्ट सीरीज में हम आपको बाकी 4 को बताएंगे, क्योंकि वीडियोज काफ़ी लंबे हो जाएंगे, अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो चलिए हम चौथे प्रोडक्ट की ओर लेकर के चलते हैं अब, और यहाँ पे एक बार फिर से हम ये भी रिपीट कर देते हैं कि बार बार बदलना है, जैसे लावा का मोबाइल देखा, अब अगर हमको सैमसंग का देखना है तो एस ए एम सी एन जी, ठीक है, सैमसंग का टोटल 24 है, आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। अगर नोकिया का निकालना है तो एन ओ के आई ए, देखिए आपका नोकिया का टोटल 0 है, शायद 0 रहेगा,
वेस्टर्न का देखते हैं, डब्ल्यू एस टी ओ एन वेस्टर्न, ये भी आपका जीरो है। अगर माइक्रोमैक्स को निकाले, एम आई सी आर ओ एम एस माइक्रोमैक्स, ये आपका 59 है। 59 कैसे हुआ, 41 ए यहाँ है आपका और मोबाइल यहाँ पर 18, 41, 18, 59, तो ए आपको आपको क्लियर होते हैं। आप दो बार तीन बार चार बार करिएगा, आपको आ जाएगा। आप इतने रेंज ना लेंगे तो थोड़ा थोड़ा दो दो रेंज करके ही देख लीजिएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट में हम आते हैं क्या है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, सम प्रोडक्ट। अब यहाँ से हम आगे सम प्रोडक्ट के लिए एक लेजर तैयार किया है। इस सम प्रोडक्ट में देखिए सम प्रोडक्ट होता क्या है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा, ये हमारा सम प्रोडक्ट है। एक चीज़ और बता दूँ, देखिए यहाँ पर अगर थोड़े थोड़े कटते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस लाइनिंग पे जाना है ऊपर में और डबल क्लिक जैसे ही करेगा ये आपको ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। चले तो यहाँ पे क्या है ना, सम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुना। यहाँ पे प्राइस है, कंपनी है, यहाँ पे कंपनी के बाद प्रोडक्ट है, देखिए प्रोडक्ट भी आपका छुप रहा है, डबल क्लिक जैसे ही करेंगे ऊपर में ये एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वांटिटी है, प्राइस है, टोटल है, यानी टीवी है टोटल एलजी का 15 पीस 15, जिसमें प्रत्येक टीवी का मूल्य कितना है, 12,000 रुपया। अब इसको यदि हम 12,000 अगर टोटल टीवी का दाम निकालना है तो क्या करना होगा, हमको गुना करना होगा। तो सबसे पहले तो आप गुना कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू मानते हैं कि 12,000 गुना, गुना यानी कि कीबोर्ड में एक स्टार का सिंबल होता है उसे हम गुना कहते हैं, गुने 15, जैसे ही करेंगे इंटर मारेंगे आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, टोटल आपके 18,000 रुपये। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कि 18,000 के बाद आप यहाँ पे एक और तरीक़ों से आप निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की सहायता से। प्रोडक्ट का मतलब ही गुना होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट आप लेंगे तो प्रोडक्ट में नंबर ले लेना, नंबर 1, नंबर 2 फॉर्मूला लगाइएगा तो याद रखिएगा नंबर दीजिएगा, ना कोई गुना ना कोई प्लस, ठीक है, ये आपका आ गया। इसी प्रकार से प्रत्येक को लेना है, या अगर एक बार में आप निकलना चाहते हैं तो इसको सिलेक्शन कर लीजिए, प्लस का पॉइंटर जो कोना में दिखता है उसको लेफ्ट क्लिक से पकड़ कर के नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, आपका टोटल यहाँ पे आ गया। तो ये तो हमारा था नॉर्मल प्रोडक्ट के रेंज, लेकिन हमें यहाँ पे सम सीरीज में क्या फॉर्मूला लगाने के लिए दिया है, टोटल सम प्रोडक्ट, यानी कि इतने गुने करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बार में गुना करके रख देगा, जोड़ करके भी रख देगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये टोटल आपका जोड़ करके 7,49,000 रुपये किया है, यहाँ पर हमको क्या क्या करने पड़े, यहाँ पर गुना करने पड़े, गुना के बाद हमको जोड़ करने पड़े। लेकिन यदि आप सम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इतनी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू एस यू एम पी आर ओ डी यू टी सी, सम प्रोडक्ट, ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया सम प्रोडक्ट। और सम प्रोडक्ट लगाने के बाद आपको करने क्या है, आपको सिर्फ सिलेक्शन करने हैं, यानी कि सिलेक्शन क्या करने है, क्वांटिटी का रेंज और प्राइस का रेंज। तो क्वांटिटी रेंज हमारा क्या है, 15 है ना, ये हमारा क्वांटिटी रेंज है, कॉमा लगाएंगे क्वांटिटी रेंज 2, प्राइस रेंज 2, यहाँ से प्राइस को सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप प्राइस को सिलेक्शन करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे, देखिए एक बार में ही वैल्यू आपको आ गया। लेकिन आप सोचिएगा, चलिए एक चीज़ अगर हच आ गया तो और अति उत्तम, कि ऐसा एरर आते रहे तो हमें भी बताने में अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि हम तो चाहते कि इस प्रकार से एरर हमेशा ये शो करता रहे। देखिए हच आने का मतलब क्या होता है, कि आपकी वैल्यू सेल के वैल्यू से बड़ा है, सेल से बड़ा है, इसीलिए वहाँ पे हच हच करके देता है। अगर इस तरीक़ों से हच वैल्यू दिखता है तो ऐसा नहीं समझना कि गलत हो गया, जैसे ही आप सेल को बढ़ाइएगा वैसे ही ये नंबर आपको फॉर्मूला दिख जाए। देखिए आपको यहाँ से छोटा करे थे, हच हच आ गया ना, जैसे ही इसको फुल किए यहाँ पर क्या आ गया, 7,49,000। देखिए यहाँ तो ये टोटल एक बार में आया 7,49,000, जबकि यहाँ पर हमें क्या करने पड़े कि पहले सबको गुना करना पड़ा, फिर गुना करके सबको हमको जोड़ना पड़ा। सोचिए इतने काम किए करना पड़ा, जबकि सम प्रोडक्ट फॉर्मूला एक चुटकी भर में जो है आपको टोटल प्राइस की क्वांटिटी की कितनी अमाउंट होती है एक बार में टोटल जोड़ करके आपको दे देता है। तो यही है आपका सम प्रोडक्ट, सम सीरीज जो है आपका सम सीरीज का ये चौथा फॉर्मूला आपका समाप्त होता है। बाकी जो फॉर्मूलाज हैं इन फॉर्मूला को भी हम आपको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं बोर्ड की ओर।
तो ये हमारा फॉर्मूला का चार फॉर्मूला आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर हम आते हैं सीरीज में, आपका है सम एसक्यू। ठीक है, यहाँ तक सम समीप सम इफ सम प्रोडक्ट आपके चार खत्म हो गए हैं। आप यहाँ तक इसको समझ चुके होंगे, लिख लीजिएगा रोक रख कर देख देख करके। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है सम एसक्यू, इसका मतलब क्या होता है चलिए हम आगे देखते हैं। सम सीरीज के इस फॉर्मूले में चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल के बाद आपको हम समझाते हैं। चलिए तो सम एक्स क्यू फॉर्मूला को हम समझ लेते हैं इजी वे में। तो इसके लिए हमने एक टेबल तैयार किया है सम एक्स क्यू फॉर्मूला। सम का मतलब तो आपको पता ही है, ऐड करना है, और एस क्यू का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। ए आपको ऐड करेगा और ए आपको स्क्वायर करेगा। ठीक है, ए आपका है सम एस क्यू, इसका अर्थ हमने ये निकाला, सम एस क्यू का मतलब ऐड प्लस स्क्वायर या स्क्वायर स्क्वायर प्लस ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर प्लस ऐड इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी वैल्यू है, जितने भी वैल्यू को आप लेंगे, इन सभी वैल्यू में करेगा क्या सम एस क्यू फॉर्मूला, करेगा क्या कि आपको पहले वो स्क्वायर निकालेगा और स्क्वायर निकालने के बाद उन सभी को क्या कर देगा, जोड़ करके तब रिजल्ट आएगा। जैसे इक्वल टू फॉर्मूला हम लगाते हैं सम एस क्यू, सम एस क्यू। ठीक है, सम एक्स क्यू के बाद हम क्या लगाएंगे, छोटी कोस्ट। ध्यान रखिएगा, सम एक्स क्यू के बाद हम क्या लगाएंगे, छोटी कोस्ट। और छोटी कोस्ट के बाद आपको क्या करना है, आपको वैल्यू को सिलेक्शन करना है, यानी कि वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू कॉमा इसी थी वैल्यू थ्री, इस प्रकार से करके और क्या देना है आपको, इंटर। आपको जैसे इंटर मारेगा आपको टोटल कॉन्टेंट्स को जोड़ करके ए आपको बता देगा। चलिए इसको फॉर्मूला टाइप करते हैं, इक्वल टू सम एस क्यू छोटी कोस्ट। अब यहाँ पे हम लेते हैं वैल्यू वन, यानी वैल्यू वन हमारा कितना है, पाँच। इसका नाम क्या है वैल्यू वन का, ए किस कॉलम में है, ए कॉलम में, किस रो में, टू में, यानी कि ए टू कॉमा किस में है, बी कॉलम टू रो बी टू, ए टू कॉमा बी टू कॉमा सी टू। ठीक है, अगर आप चारों को ले सकते हैं तो चारों को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डी फोर कॉमा डी फोर और इंटर। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले लिखने हैं। अब फॉर्मूला के बाद आपको क्या होगा कि सबसे पहले ये स्क्वायर करेगा और स्क्वायर करने के बाद उन नंबरों को क्या करता है, ऐड करता है। जैसे आपका पांच स्क्वायर कितना है, पच्चीस, तीन स्क्वायर नौ। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना, है ना, यानी कि अगर उसी चीज को अगर स्क्वायर आप करते तो उसको गुना कर देगा, यानी कि अगर तीन को अगर स्क्वायर करना है तो तीन गुना तीन, आठ गुना आठ, चार गुना चार। ठीक है, तो यहाँ पे पांच स्क्वायर पच्चीस, तीन स्क्वायर नौ, आठ स्क्वायर कितना होता है चौसठ, और चार स्क्वायर कितना होता है सोलह। ठीक है, चार स्क्वायर आपको कितना होगा सोलह। अब इन सभी का क्या करना है, ऐड कर देना है। अब ऐड करना है तो चलिए इसको जोड़ के बताते हैं, पच्चीस नौ चौंतीस और चौसठ सोलह कितना हो जाता है अस्सी, यानी अस्सी और उनतीस कितना, अस्सी और चौंतीस कितना हो जाएगा, आठ दो दस एक ग्यारह एक सौ चौदह। तो ए आपको रिजल्ट आ गया एक सौ चौदह। ठीक है, फिर से जोड़ लेते हैं, चौसठ छ सत्तर अस्सी, अस्सी और नौ नवासी हो गया, नवासी यानी नब्बे, नब्बे और पच्चीस कितना होता है नब्बे, पच्चीस हो जाएगा नब्बे, बीस से एक सौ दस और पाँच पंद्रह, एक सौ पंद्रह में से यहाँ पर हमने ज़्यादा लिया था एक, इसलिए कम करके हम एक सौ चौदह कर दिए। आप इसे जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चल इसके बाद हम नेक्स्ट आपको क्या करते हैं कि अब इसको निकालना है, तो इसको निकालना तो फिर इसी तरह से हम इसको मिटा देते हैं। जाती है नीरज पंकजवा, अरे काले बना देख देख के बैठा के पंकजवा लाग थी सबके मुर्गी से खड़ा करवा। चल अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं वैल्यू के बाद। तो यहाँ पर हमने देखा पाँच तीन आठ चार का वैल्यू देखा। नेक्स्ट में अगर सम स्क्वायर हम निकालना चाहते हैं तो पाँच स्क्वायर पच्चीस, छ स्क्वायर छत्तीस, सात स्क्वायर कितना हो जाएगा उनचास, और नौ स्क्वायर इक्यासी। अब इसको क्या करना है आपको, पहले क्या करेगा स्क्वायर कर देगा, यानी कि पच्चीस, पाँच स्क्वायर पच्चीस, छः स्क्वायर छत्तीस, सात स्क्वायर उनचास,
और नौ स्क्वायर 81 और इसको आप आपस में जोड़ दीजिए। 81 हमने की 8 5 13 130 और 36 और 25 कितना होगा आपका 35 35 5 40 भी 60 एक 61 ठीक है 80 50 130 और 61 190 91 इस तरह से आपका आ जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप टोटल फॉर्मूला लिख लीजिए इक्वल टू सम एस क्यू, इसके बाद यहाँ पे छोटी कोष देना है ए थ्री कॉमा बी थ्री कॉमा सी थ्री कॉमा डी थ्री और इंटर मार दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ए आपको कौन सा फॉर्मूला हो गया, सम एस की फॉर्मूला आ गया ठीक है। तो चलिए इसको हम अगले सीरीज में हम लैब में देखेंगे, इस सीरीज में फिलहाल हम ये देखेंगे, इसको इतना समझा कर छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाते हैं ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहले किसी भी नंबर को स्क्वायर करेगा उसके बाद क्या करेगा ऐड कर देगा। मानते हैं हम दो वैल्यू लेते हैं तो दो वैल्यू का निकाल देगा 5 स्क्वायर 25 और 3 स्क्वायर 9 25 9 34 ठीक है। चल नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, सम नेक्स्ट फॉर्मूला है सम एक्स टू एम बाई टू, सम एक्स टू एम बाई टू, सम एक्स टू एम बाई टू ठीक है। इस फॉर्मूला में भी कोई अंतर नहीं है, आप जो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, यानी कि यहाँ पर करेगा स्क्वायर प्लस स्क्वायर और माइनस ठीक है। स्क्वायर के साथ क्या कर देगा माइनस कर, यहाँ पर क्या कर रहा था कॉन्टेंट को प्लस कर दे रहा था ना, 5 स्क्वायर 25 और 3 स्क्वायर 9 दोनों जोड़ के 34 ला रहा था ना, लेकिन यहाँ पर वो कर्ज नहीं करेगा यहाँ पे उसको माइनस कर देगा, यानी कि 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16। यही आपका ये फॉर्मूला हो गया ठीक है। वैल्यू सेम सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे खाली फॉर्मूले टाइप कर देना है सम एक्स टू, चलिए लिख देते हैं देखिए सम एस यू एम सम एक्स टू एम बाई टू ठीक है, छोटी कोष्ट। इसके बाद यहाँ पे ए कंटेंट हमारा ए वन, तो यहाँ पर ले लेना है ए वन कॉमा ए वन कॉमा नहीं ए टू कॉमा आपका क्या हो जाएगा बी टू, ए टू कॉमा बी टू ये आपका निकल जाएगा ए टू, यानी कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 और 3 स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा आपको कितना बचेगा 5 स्क्वायर, इसको इस प्रकार से कर दे 5 है तो दो बार लीजिए 5 × 5 माइनस 3 × 3 ठीक है। तो 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 5 5 25 और 3 3 9 कितना आ गया 16, ये आपका फाइनल रिजल्ट 16 दे देगा। तो बहुत ही इजी ये फॉर्मूला थे आपके सम एक्स टू एम बाई टू ठीक है, सम एक्स टू एम बाई टू इस प्रकार से आपका। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके आते हैं जो कि आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है सम एक्स टू पी बाई टू ठीक है। चल इसको देखते हैं सम एक्स टू पी बाई टू में क्या होता है, सो इतना आप लिख ले होंगे समझ लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट करके लिख चले। तो ये हमारा सम एक्स टू पी वाई टू फॉर्मूला है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है कि अभी अभी जो हम स्क्वायर एकक करके जोड़ रहे थे आप इसमें क्या कर सकते हैं कि एडवांस रूप में आप दो को भी जोड़ सकते हैं। जैसे मानते हैं हम एक को जोड़ते हैं इक्वल टू सम एक्स टू पी वाई टू ठीक है, यहाँ पर फिर लगाना छोटी कोष्ट। जैसे यहाँ पर हम लगाते हैं 5 और 3 5 यानी ए टू कॉमा बी टू, ए टू कॉमा बी टू ठीक है, इंटर हमने मारा तो ए आपको फॉर्मूला ए टू 5 स्क्वायर कितना आ गया 25 और 3 स्क्वायर 9 25 9 आपका 34 आ गया। अगर मानते हैं कि थोड़ा सा एडवांस में देखें तो आप यहाँ पर दो दो गो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो आपको जितने रेंज को सिलेक्शन करना है। जैसे सम प्रोडक्ट हमने कैसे बताया था, सेम सम प्रोडक्ट ही समझ लीजिए, बस इसमें होता क्या है कि पहले स्क्वायर होगा और स्क्वायर के बाद ऐड होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लगाते फॉर्मूला सम एक्स टू पी बाई टू छोटी कोष्ट, इसके बाद मानते हैं हम ए रेंज लेते हैं ठीक है ना, तो ए रेंज सबसे पहले हम लेते हैं तो ए क्या है ए टू अनुपात ए थ्री
यहाँ पर ए टू अनुपात ए थ्री, ठीक है। इसके बाद हमें फिर क्या करने हैं, कॉमा लगाने हैं, और कॉमा के बाद फिर से क्या करने हैं, बी थ्री अनुपात बी सिक्स, बी थ्री अनुपात बी सिक्स, ठीक है, और इंटर। इसका रिजल्ट कितना आएगा जल्दी से बताइए, कौन बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कितना आएगा जल्दी से बताइए। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबको स्क्वायर कर लेना है, यानी कि पांच स्क्वायर कितने होंगे, पच्चीस, तीन स्क्वायर नौ, पांच स्क्वायर पच्चीस, छह स्क्वायर छत्तीस, और इसके बाद बस सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। यानी कि पच्चीस पच्चीस पचास, पचास हो गए यहाँ पे, और छत्तीस और नौ यहाँ पे हो गए पैंतालीस, तो ये टोटल कितना आ गया, पचास और पैंतालीस पंचानवे, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये थे आपके सम एक्स टू पी वाई टू फॉर्मूले। और नेक्स्ट जो है आपका जो सबसे लास्ट है, ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लिख लीजिए, फिर से समझा देते हैं। एक्स टू पी वाई टू में क्या हो रहा है, जहाँ पे आपको पहले वाला फॉर्मूला सम प्रोडक्ट में एक करके आप जो गुना डायरेक्ट हो रहा था, सम एक्स टू पी वाई टू में क्या हो रहा है कि ये दोनों को गुना आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। तो पहले स्क्वायर होगा फिर ऐड होगा, प्रत्येक नंबर का पहले स्क्वायर होगा फिर दोनों का क्या होगा ऐड हो जाएगा। ये दोनों का भी स्क्वायर हुआ, ये दोनों का भी स्क्वायर हुआ, सबको यहाँ पे क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अगर डिटेल्स में देखना चाहे तो देखिए क्या हुआ है, हमने पहले भी बताया था, पांच गुने पांच, तीन गुने तीन, पांच गुने पांच, छह गुने छह, और बराबर करके टोटल फिर यहाँ पर ऐड करते हुए चलेगा, टोटल आपका वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चले तो हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट सीरीज की ओर चलते हैं जो कि अंतिम है हमारा। तो ये देखिए आपका सम सीरीज का ये अंतिम फॉर्मूला है, सम एक्स एम बाई टू, ठीक है। ये आपको मेन चीज समझने होते हैं, वो सारे फॉर्मूला आपके नॉर्मल्स थे। इस फॉर्मूले में आपको एक चीज समझने होंगे, चार पॉइंट्स को, चार पॉइंट्स क्या है कि क्रॉस वैल्यू, उनका सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन के बाद पावर यानी स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद उनको कर देना है ऐड। यही चार बात ध्यान रखनी है। हम यहाँ पे दो वैल्यू बनाए हैं, उसमें आपको वैल्यू में एक एक डिजिट दिए थे, यहाँ पर दो दो नंबर हम यहाँ पर दे रहे हैं। इन दोनों नंबर में देखना क्या है कि जैसे मेरा वैल्यू वन और वैल्यू टू, वैल्यू वन में मेरा नंबर है थ्री एंड फाइव, और वैल्यू टू में मेरा है नाइन एंड थ्री, ठीक है। तो पहला करना क्या, पहला लिख रहा है क्रॉस वैल्यू, या क्रॉस जो है नंबर जो है आपका जो डिजिट है, इन डिजिट्स को क्रॉस करवा देना है। क्रॉस का मतलब क्या है कि पहले जो है कि एक सीरियल वाइज रेंज में अरेंज कर देना। जैसे मानते हैं कि ये सारों हम डिजिट में है आपका, सारे सीट में है, लेकिन हम इसको एक अरेंज कर देते हैं, तीन पाँच नौ और तीन, ठीक है, तीन पाँच नौ और तीन, और इसमें आपका नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, पॉजिटिव। अब देखिए ये पहला नंबर इसका ये है, और इसमें वैल्यू टू में पहला नंबर कौन है, ये है। इसको ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझिएगा ध्यान से तो एक आपको समझ में नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, वैल्यू वन में दो नंबर तीन और पाँच, वैल्यू टू में दो नंबर नौ और तीन, ठीक है। तीन में से नौ को घटाना है, या नौ में से तीन को, यानी कि आपको जो बड़ा अंक होगा बड़ा में से छोटा को घटाना है। ध्यान रखिएगा, जिसमें से जो बड़ा होगा बड़ा में से छोटा को आपको घटाना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए दिखा रहे हैं, नौ माइनस तीन, ठीक है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट आपको क्या करा, चलिए इसको हम अरेंज कर देते हैं थोड़ा, और इसको मिटा देते हैं, और मिटा करके हम नंबर लिख देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, एक डिजिट से हम समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला आपको अरेंज करना है, वैल्यू को अरेंज कर लेना है आपको, तीन पाँच नौ तीन, ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया वैल्यू वन, और ए हो गए आपके वैल्यू टू, ठीक है। अब तीन में से और नौ को और पांच और तीन को करना है, ठीक है, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देना है। तो ये पहले नौ में से तीन को घटा देना है, वैल्यू टू में से, वैल्यू टू में नौ है, वैल्यू वन में तीन है, तो पहला अंक में से दोनों पहला अंक को घटा देना है, तो नौ माइनस तीन, ठीक है,
और एक और जो बचा वो है आपका 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, ठीक है। बराबर कितने आए, 9 माइनस 3 बराबर 6 और 5 माइनस 3 बराबर कितने हो गए, 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला आपको अरेंज कर लिए वैल्यू को क्रॉस करके, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिए यानी कि वैल्यू को घटा दिए हमने, घटाने के बाद क्या करना, उसका पावर करना है। तो पावर तो 6 के पावर, ठीक है ना, यानी 6 का हमको क्या करना है, पावर, पावर जिसको हम कहते हैं स्क्वायर, यानी कि 6 गुने 6 और 2 का पावर हमको करना है, ठीक है ना। पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर हम जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं जिसके माथा पर 2, यानी कि 2 गुने 2, तो 6 स्क्वायर कितना हुआ, 36 और 2 स्क्वायर कितना हो गया आपके, 4, ठीक है ना। तो ये आपको पावर हो गया। इसके बाद आपको उसको क्या कर देना है, वैल्यू को ऐड कर देना है, तो 36 प्लस 4 यानी कि 36 प्लस 4 बराबर कितने हो गए, 40, ठीक है। यही आपको करने हैं इसमें, और ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट देगा, अगर डायरेक्ट आप रिजल्ट लाएंगे तो आप कुछ नहीं जान पाएंगे, लेकिन यदि आप सारे चीज को एक एक चीज समझ लेंगे तो आपको आसानी से पता हो जाएगा। तो ध्यान से फिर से समझिएगा, वैल्यू 1 वैल्यू 2, वैल्यू 1 में 2 नंबर, वैल्यू 2 में 2 नंबर, वैल्यू 1 में 3 और 5, वैल्यू 2 में 9 और 3। पहला नंबर को घटा देना है, जो बड़ा में से छोटा को, तो वैल्यू 2 में पहला नंबर बड़ा है 3 से, है ना, तो 9 में से 3 घटा दे कितना बचा, 6, और ये 3 है 5 है तो 5 बड़ा है, तो 5 में से 3 का कितना बचेगा, 2। जो नंबर आया उस नंबर का आपको क्या कर देना है, पावर कर देना घटाने के बाद, तो 6 के पावर 2 कितना होगा, 6 स्क्वायर 36 और 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब उसके बाद लास्ट में आपको कर देना है ऐड, तो 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40। यही आपको तो समझने हैं। तो ए सम सीरीज का हमने आपको 8 जो फॉर्मूले थे 8 को समझा दिए। अब रही चीज बात आपको क्या कि लैब में बताना, तो 4 हम बता चुके हैं, 4 हम नेक्स्ट अध्याय में आपको बताएंगे। और लाइक शेयर करना ना भूलिए, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतने ज्यादा एनर्जी बढ़ेंगे, उतने अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स हम आपके पास समझ रखते जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। तो इसको देखिए और बनाते रहिए। चले तो ये आपको नहीं दिख रहे होंगे तो इसको फिर से समझ लीजिएगा, सारे चीज जो जो बोले हैं जैसे जैसे कर लीजिएगा। 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4 36 प्लस 4 40। चले ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।